चलिए 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 बढ़िया बढ़िया। आपका निधन हो गया, क्या कहेंगे आप? कोई शब्द है? सब कुछ तो खो चुका हूँ, एक आवाज जो सबका, जिन्होंने कभी फर्क नहीं किया किसी भी नीचे समाज धर्म मजहब वर्ग धर्म सबके लिए जिए उन्होंने, गंभीर और वैचारिक जो हमेशा अपने वसूल पर खाएं, जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट वो सिवान के शाहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता है, समाज को कंप्लीट एक या एक जस्टिस उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, एक साथ MLA बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं पाए। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं, और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया, सपना ही सिवान का समाप्त हो गया, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त ने एक मजबूत आवाज और जिंदगी को आगोश में ली, अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली, और वक्त हमेशा जिंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई साहबुद्दीन जन्म नहीं है, उस जैसा कोई। सर इलाज में लापरवाही हुई, इसके बारे में कैसा? मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति,
ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वक्त तो बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बंद कर व्यवस्था सर सवाल परिस्थिति जो व्यक्ति पहले मेरी बात सुनो चलकर आए ओसामा जी से बातचीत हुई उनकी मिले अच्छे हालात में मिले संतुष्ट थे हमारे परिवार और फिर एक प्राइवेट रूम से संक्रमित वार्ड में प्रवेश डाल देना एक्स एमपी को चार बार और दो बार विधायक रहने वाले व्यक्तित्व को मैं क्या मानूं। और मुझे लगता है कि 18 साल जो उनका जीवन था रहा ना राजनीतिक परिस्थितियों में हमेशा घेर के रखा। अब मैं उस पर नहीं अभी जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा फिर दोबारा साहब जब याद करता हूँ सिर्फ इतना कह सकता हूँ पता नहीं क्यों चलेगा। मुस्कुराता हुआ वह चेहरा मेरे साथ बहुत सारे अंतरंग रिश्ते उसके बहुत हद तक कुछ चीजें उससे कहते थे पप्पू जी व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आपके साथ लेकिन मेरी थोड़ी मजबूरियां हैं। एक बार लालू जी संकट से उभर जाए फिर मैं सोच पाऊंगी यहाँ के हित में और भविष्य के। वह व्यक्ति जब तक संकट में है मैं राजनीतिक रूप से वहां हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ लैंग्वेज था और थे। मेरा यह परिवार है मेरे मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा राजनीतिक पारिवारिक सामाजिक रूप से साहबुद्दीन साहब की मौत के ध्यान के लिए अंतिम तक हम लोग आगे बढ़ेंगे छोड़ेंगे नहीं जरूर अंतिम तक जाएंगे कि इसके पीछे राज क्या थी किन किन लोगों का की भूमिका थी। वक्त से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों ने साहबुद्दीन साहब को हम सबके बीच से लेके चले। 1990 के बाद से लेके आज तक जिस व्यक्ति ने हर संकट और बुरे परिस्थितियों में एक दल और एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहा वो मंत्री हो सकते थे सत्ता का हिस्सा हो सकते थे बदल सकते थे लेकिन कभी भी उनके भीतर ना तो कभी लोभ आया ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। हर लोगों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। मैं एक व्यक्ति को देखा कि अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाई। चला पप्पू जी जी हो इसे करल जाए तो सही राह पर बढ़ो ये लैंग्वेज था कि आप पीछे मत मुड़िए। जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया उसके साथ
और उनका यदि कोई ना हो तो शायद न तो किसी के ना हो, ये आप समझ। शहाबुद्दीन जी के यदि कोई ना हो सके तो फिर किसी का नहीं।